आओगे बाबा, हे देवा जल्दी आओ। जिस प्रकार सुगंध के बिना फूल, उसी प्रकार आपके बिना ये शिटी गांव और ये शरीर किस काम का। तीसरा दिन बीतने को है, आखिर कब आओगे कृपा सिंधु? आंखें पथरा गई है आपकी राह तकते तकते, रो रो कर नैनों से जल सूखा जा रहा है। कब आओगे बाबा, कब आओगे? साईं, तुम्हें ने कहा था कि मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना। यदि मैं वापिस आया तो ठीक है, नहीं तो इस स्थान पर मेरी समाधि बनाकर ध्वजा चिन्ह स्वरूप लहरा देना। साईं, समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, कृपया आंखें खोलो, कृपया आंखें खोलो साईं, कृपया आंखें खोलो। हे दया सागर, उठो, विश्वास की डोर के टूटने से पहले वापिस लौट आओ। देखो 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 माई बाप, देखो, अब इसका खेल खत्म। ये पाखंडी 3 दिन से यहाँ पड़ा है। हाँ, ये मरा पड़ा है। साहेब, मैं तो कहता हूँ कि इसे यहाँ से दूर कर दिया जाए। हाँ, दिया जाए। क्यों पंडित जी, गलत कहा मैंने? नहीं वाइट जी, 16 आने सही कहा। साहब, लाश के सड़ने से गांव में बदबू फैलने लगेगी, गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा, कई तरह की बीमारियां फैलने लगेंगी। अजी, भगवान बचाए इस बला से, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। छी 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 छी, कितनी बदबू उठेगी, अरे जरा सोचो। आपको रोज गंगा जल से नहाना पड़ेगा। हाँ, ठीक कह रहे हो पंडित जी, देख लिया बहुत ज्ञानी है आप। तो चलो चलो भाइयों, दूर करो इस आफत को जो बिन बुलाए गले पड़ी है। गले नहीं बैठी, ये तो नीचे पड़ी है। जल्दी कीजिए साहब। हाँ हाँ, अभी लोग। ए, इधर आ, तू भी आ। सुना नहीं? उठ साले, उठ। जानता नहीं है मुझे? कहना ना मानने के चक्कर में अंदर कर दूंगा, चल उठा। नहीं नहीं, हमारे बाबा ने हमसे वादा किया है, हमें पूरा विश्वास है, हमारे बाबा आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ हाँ, हमारे बाबा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे हमारे बाबा। देख लिया तुम्हारे बाबा को, ये उठेगा 3 दिन बाद। कोई यमराज के यहाँ से वापस आया है क्या जो ये आएगा? चल जल्दी से इसे उठा, देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। मैं रोकता हूँ इसे। खबरदार, जो किसी ने बाबा की देह को छूने की कोशिश की तो। और तुम किसकी आज्ञा से यहाँ आने की हिम्मत की? चलो पीछे हटो। जी हुजूर। और तुम चारों, तुम्हें और कोई काम नहीं जो बाबा के पीछे ही पड़ गए? भाग जाओ यहां से, वरना चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ हमारी भी ऐसी तैसी हो जाएगी। मेरा तो मन घबरा रहा है, 72 घंटे समाप्त होने में कुछ ही समय बचा है, जाने हमारी सेवा में क्या कमी रह गई। जब से बाबा निद्रा में गए हैं, हम लोग पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया है। गौओं ने अन्न जल त्याग दिया है, कोयल की कूक, मिठू मियां की आवाज
ना जाने कहां चली गई, निरंतर बहती नदी की कल कल।